क्या हुआ मैम, काफी परेशान लग रहे हो। सर काफी देर से इक्वेशन सॉल्व कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा। पढ़ा तो हमने ही है लेकिन आंसर ये दिखा रहा है। क्या तो सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है, माई सर के पास चलते आ जाओ, मुझे भी जानना है। चलो सर। मैं सर एक प्रॉब्लम लेके आया आपके पास। मेजोरिटी ऑफ टाइम मैंने नोट किया है कि नीट का जो सिलेबस है उसमें पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल सर। कंफ्यूजन एक जगह है और वो कंफ्यूजन है कि जो पीरियोडिक टेबल में ना सब बच्चों को बताया है कि लेफ्ट टू राइट क्या इंक्रीज होगा, क्या डिक्रीज, लेकिन कंफ्यूजन है कि हर बार बच्चा भूलता है यहाँ पे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर किस तरफ सही होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर किस तरफ, और फिर इसी के बेस पे इनके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व नहीं होते। तो इसका कोई सिंपल सोल्यूशन है? देखिए सर, सोल्यूशन इस जिंदगी में हर चीज का है। और बात रही केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के नाम में ही मिस्ट्री है। और बात अगर हम करें कि पीरियोडिक टेबल के अंदर, आज तक जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हुए आए सर, आपने पढ़ा है या फिर आप जो टीचर पढ़ाते हैं वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं थ्योरेटिकल। और थ्योरी में क्या होता है कि बच्चा कितनी थ्योरी पढ़ेगा, तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला हो या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हो जो हमें बताए। जैसे अगर मैं अपने बच्चों से पूछूं, बेटा 2 + 2 2 × 3 याद रहेगा ना सर? तो नीरज सर है क्या कि जो हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट है, चाहे एनर्शन एंथैल्पी हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, एटॉमिक साइज हो, पूरी पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 4 ही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताए हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन इन 4 कॉन्सेप्ट मिलने वाले होते हैं। देखिए, आपको कोई थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप 1 से लेकर 2 बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख कर देखिएगा। आपके सामने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, पूरी केमिस्ट्री, टोटल केमिस्ट्री का जो सॉल्यूशन है इसी के अंदर मेंशन होता है। तो प्यारे बच्चों, बार बार मैं आपसे ये बोलूंगा कि जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आप इसको लिख कर देखिएगा। सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सिर्फ मैथमेटिक्स है। अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एटॉमिक साइज या फिर आयनेशन साइज, आयनेशन एंथैल्पी, सभी का आंसर यहाँ पर मेंशन होता है। जैसे कि 10 के बाद नियॉन आएगी, फिर आपका 17 के बाद आपका क्या आएगा, आर्गन आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको कुछ ना कुछ बताएगी। लेकिन आर्गन के बाद जैसे आप थर्ड पीरियड में पहुंचोगे तो आप देख पाओगे कि थर्ड पीरियड में क्या होता है, आपका डी आ जाएगा। कौन आ जाएगा? डी। तो इस पूरी कहानी को, जो भी आपकी पूरी कहानी है पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसके साथ जो खेला करता है वो सिर्फ 2 ही और बैटल है। कौन कौन से बोलिए? डी और एस। अब मुझे बताइए, मेरे पास 2 आयन्स हैं, एक O2 नेगेटिव और एक आपका O2 2 माइनस। आप बताइए 2 ज्यादा है या फिर 1 ज्यादा है? अब अगर मुझे इसका एटॉमिक साइज लगाना है या आयनिक साइज लगाना है तो कैसे लगाऊंगा, बताइए। आ गया समझ में आपको? अब बताइए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे पास एफ माइनस है और एफ है, तो माइनस कितना, 1 है ना, और एफ के ऊपर कोई माइनस नहीं है यानी कि 0 चार्ज है। तो अब बताइए साइज किसका बड़ा आएगा? सिंपल हो गया ना। तो यही तरीका होता है मैथमेटिकल तरीका कि आप वैल्यू को देखिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा। समझ में आ गया आपको? बेरिलियम और बोरोन में कौन आएगा? बेरिलियम और बोरोन में आयनेशन एंथैल्पी, बोरोन या बेरिलियम? क्यों आएगा बेरिलियम? बोले 1:2 और 2p1। अब बताइए 2 ज्यादा है या 1 ज्यादा है? तो इसलिए होगा बेरिलियम। क्या हो गया? आना कौन चाहिए था अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल? क्लियर हो गया? बोले यस सर। तो ऐसे फैक्ट के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।